सेलमैन है उससे, लेकिन वो कुछ भी बता पाने में सक्षम नहीं। कितना ये पकड़ी गई है पेटी या शराब? देखिए ये 51 बोटल्स हैं वो इंपोर्टेड लिकर की पकड़ी गई हैं, और उसके अलावा 2603 जो बोटल्स हैं जिसमें कैन और आपके पाइंट्स हैं वो बियर के हैं। क्या वो एक्सपायरी है? वो एक्सपायरी है। और उनके प्रोसीजर क्या होता है एक्सपायरी का? देखिए अगर एक्सपायरी बियर कहीं ठेके में पाई जाती है तो हम उस पर पेनल्टी का प्रोविजन है, पेनल्टी लगती हैं। अगर कोई अप्रूव्ड प्रीमिसेस से बाहर कोई अगर बियर रखी जाती है तो वो डेफिनेटली उस पे एफआईआर वगैरह लॉज होगी और उस पे कानूनी कार्रवाई। फरीदाबाद में व्यक्ति विशेष पे ही कोई चल रहा है क्या कुछ ऐसा? कुछ नहीं, व्यक्ति विशेष पे नहीं, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं जैसे एक ही ठेके पे, एक ही व्यक्ति के ठेके पे छापेमारी चल रही है। ये कल परसों की अगर बात करें तो धोद क्षेत्र में भी हमने इस तरह के गांव में भी कार्रवाई की है, अणकपुर में भी कार्रवाई हुई है। तो ये नहीं कह सकते कि आप पर्टिकुलर एक ही हम किसी आदमी के पीछे हैं। जहाँ भी सूचना मिलती है, जिस भी विभाग को सूचना मिलती है वो शेयर करता है, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई हो रही है। तो एक्सपायर आप जो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो लगभग 2603 है, जो आप 2, 4, 5 की बात कर रहे हैं वो केस नहीं है, पहली बात। तो दूसरा जो हमने शराब पकड़ी है उन पे लगभग कुछ ऐसी बोटल्स देखेंगे जिन पे होलोग्राम्स नहीं है, वो स्टेट पे एक तरह से वायलेशन में है। तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि 2, 4, 5 बोटल्स के साथ ही केस। ये सवाल रिफिलिंग भी है क्या इसमें? ये जांच का विषय है, हम इनके सैंपल ले रहे हैं और जैसे ही सैंपल की रिफिलिंग की इसकी ज्यादा चल रही है आजकल ठेकों पे भी और बारों में भी। देखिए जहां चल रही है आप हमें सूचना शेयर करें, हम डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई लगातार चल रही है। इसमें जो बोटल्स हैं जो इम्पोर्टेड लिकर है वो 51 बोटल्स हैं जी, और जो बियर की क्वांटिटी मैंने आपको बताया 2603 है जी। इसमें कुछ बोटल्स हैं जो कांच की बोटल्स में 330 ml में है, कुछ 650 ml में है, कुछ 500 ml के कैन है। अगर हम टोटल क्वांटिटी बात करें जब वो 603